कक्षा 9 गणित। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को अध्याय 14 वृत्त की त्रिज्यखंड एवं चाप की लंबाई कराने जा रहा हूं, जो कि प्रश्नावली 14.1 है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ। तो सबसे पहले हम ये ले रहे हैं वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। यहाँ देखो बच्चों, ये ए बी जो दिया हुआ ये व्यास है, ए से लेकर बी तक की जो दूरी होती है वो व्यास होती है, यानी ए बी ये व्यास हो गया और ये त्रिज्या है। त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, ये त्रिज्या है, इससे क्या दिखाते हैं इसको हम आर से शो करते हैं। तो ध्यान रखना त्रिज्या क्या हो गई, ओपी त्रिज्या हो गई। इससे काय से दिखाएंगे हम, आर से दिखाते हैं। तो सूत्र है हमारे पास वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। फिर वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr² और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ये कोण थीटा बनाया जा रहा है ये, और ये लंबाई ये वाली लंबाई होगी ए से लेके बी तक की जो लंबाई आ रही है, ये लंबाई त्रिज्यखंड चाप की लंबाई होती कितनी है, थीटा अपॉन 360 और गुणा 2πr होती है। ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों चीजें हैं। अब चलते हैं थोड़े प्रश्नों की ओर, पढ़ते हैं बच्चों। तो ये प्रश्न नंबर पहले एक और है सूत्र हमारे पास, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल जिसमें त्रिज्या दी रखी है, ओपी जो दी रखी है वो R1 दी हुई है, OQ जो है वो R2 दी हुई है, और ये जो रास्ता है रास्ते की ये जो चौड़ाई है वो है R1 - R2। हमें क्षेत्रफल जो निकालना है वो इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। ध्यान रखना ये जो मार्ग दिखाई दे रहा जाता हुआ ये पूरे मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है इसका, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखते हैं जरा कैसे कितना आता है। तो इसके लिए सूत्र है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² - r²। तो ये उदाहरण नंबर 1 आ रहा है हमारे पास। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, ध्यान रखना त्रिज्या जो होती है आर होती है, और किससे दिखाते हैं ये होती है व्यास की आधी, तो व्यास बटे 2 कर देंगे, यानी 14/2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आर निकल गई। हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दें, वृत्त की परिधि बच्चों, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, 2πr। तो रख दीजिए 2π का मान होता है 22/7 और R का मान है 7, तो 7 से 7 ये कट जाएगा, तो 2 × 4 × 4 इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक आंसर आपका आ गया है बच्चों। दूसरा पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए बच्चों, ये होता है πr², पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा हो जाएगा 7 और फिर गुणा एक और 7 हो जाएगा, 7 से 7 ये कट जाएगा, तो 7 × 14 और 7 × 14 और 1 = 15 इतने वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं लेकर के उदाहरण नंबर 2 है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी हुई है 176 सेंटीमीटर। तो पहले परिधि लिख दीजिए, परिधि है 176 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि होती कितनी है बच्चों, वृत्त की परिधि इसका सूत्र होता है 2πr, दोनों परिधि बराबर कर दी जाए तो 2πr बराबर जाएगा 176। पाई का मान होता है 22/7 और r है, और ये यहाँ पे 176 हो गया, तो R का मान निकल जाएगा 176 गुणा 7 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 2 × 22 हो जाएगा। अब जरा यहां से देखिए तो 11 से कट सकता है, तो 11 × 22 हो गया और यहां पर 11 × 11 11 × 66 आ जाएगा,
फिर दो से काट दीजिए, दो अठे 16 हो जाएगा, इस दो से भी काट दीजिए तो दो चौक 8 हो जाएगा। तो r का मान वास्तव में क्या बचा, 4 × 7 और 7 चक होता है 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या निकल गई है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल इसका सूत्र है बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो 22/7 हो जाएगा और आर का मान जो आया वो 28 आया है, तो 28 का वर्ग हो जाएगा। फिर से देखिए 22/7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28 × 28। अब ये 7 से काटी तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। अब इसमें 4 की 22 से गुणा करेंगे तो 4 × 8 और 4 × 8 और गुणा और कितना आ गया 28, इन दोनों की गुणा करनी रह गई है, ये आ जाएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है बच्चों, गुणा करके देखेंगे ये इतना ही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 3। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वृत्तों दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमने पहले वाले वृत्त की त्रिज्या r1 ले ली 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले वृत्त की कितनी है 6 सेंटीमीटर, हमें तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, दोनों से मिलाकर के योगफल बना दिया है। तो मान लिया जो नया बना है उसकी त्रिज्या जो है वो r है, ये हमें निकालनी है। हुआ क्या था, इसमें दो थे क्षेत्रफल, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर जो नया बना है उस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई तो बच्चों यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई और पाई कट जाएगा, क्या बचा आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। R1 का मान दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, R2 का मान दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर और ये R स्क्वायर निकालना है। तो 8 × 64 हो गया, 6 × 36 हो गया और बराबर ये R स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100 हो जाएगा बराबर R स्क्वायर। तो R बराबर हो जाएगा √100, यानी R का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये उदाहरण 4 है, एक वृत्तीय मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, एक लड़का उसके चारों ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 चक्कर कितने देर में लगा सकेगा, यानी कि समय निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले त्रिज्या दी हुई, तो त्रिज्या से हम नोट करते हैं अपना काम चलाते हैं, और कितना दिया हुआ है हमारे पास 35 मीटर है। हमें सबसे पहले जो है दूरी निकालनी पड़ेगी, तो दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे क्या हम बच्चों, दूरी बराबर हो जाएगा परिधि गुणा चक्रों की संख्या। चलिए दूरी परिधि होती है 2πr और चक्रों की संख्या दी हुई है 10, रख लीजिए बच्चों इसमें 2π का मान होता है 22/7 और त्रिज्या कितनी दी है 35 मीटर और गुणा 10 हो जाएगा, तो 7 से काट दीजिए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 × 10 इसका बन जाएगा 2 × 2 और 2 0 और आ जाएगी 2200 मीटर आ जाएगा ये। इसके बाद चाल भी दी हुई है, चाल कितनी है बच्चों, चाल है हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो 5 किलोमीटर को 1000 से गुणा कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा और घंटा है तो 60 × 60 कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगी, 2 × 3 = 6 हो गया और 2 × 5 = 10 हो गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ऊपर और नीचे 6 × 3 = 18 हो जाएगा, कितने मीटर प्रति सेकंड आगे चलिए, यानी कि ये मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किया गया है।
अब इसके बाद समय निकालना होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है बच्चों अभी निकाली थी, 2200 मीटर थी, चाल अभी रखना है तो 25 नीचे आ जाएगा, बटे 18 है तो उस 18 को ऊपर भेज देंगे। अब यहाँ केवल गुणा भाग करनी रह गई है, तो चलो बच्चों गुणा भाग करके देखते हैं। 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 25, और ये 5 × 4 = 20, फिर 5 × 4 = 20 और 1 0 आ जाएगा। 5 से फिर काट दीजिए तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा, फिर 5 × 8 = 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1584, इतने सेकंड आ गया बच्चों। अब इसे जरा मिनट में बदल लेते हैं, देखते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 60 से भाग देना पड़ेगा इसको, कितना आ जाएगा, 15 है और ये 84 है, तो 6 × 12 हो गया, तो ये 120 आ जाएगा, यहाँ से 8 बच गया, यहाँ से 3 बचा और ऊपर से 4 और उतार लिया गया। अब 6 बार चला जाएगा यहाँ, तो 6 × 36 ये इतना आ जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएगा, तो 26 मिनट 24 सेकंड हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, 26 मिनट और 24 सेकंड लिख देंगे ये बच्चों, इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उदाहरण नंबर 5 है। उस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य और अंतः परिधियों की मापें ये दी गई हैं। तो बाह्य परिधि, बाह्य परिधि कितने दी हुई है बच्चों, ये दी हुई है 110 मीटर। तो बाह्य परिधि का सूत्र लगा रहा हूं मैं, 2πr1, तो ये हो गया 110, तो 2π मतलब हो गया 22/7 और r1 बराबर हो गया 110। अब क्या हो जाएगा, ये तो r1 का मान निकल जाएगा, 110 × 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 × 22 हो जाएगा। चलिए 11 से काट लेते, 11 × 10 आ गया और 11 × 2 आ गया, 2 से काट दीजिए तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये r1 का मान रहेगा 7 × 5 = 35, 35/2 यानी 2 × 2 = 2, 2 × 7 = 14 और ये 5, 17.5 मीटर आ गया। ऐसे ही अगला जो है दिया हुआ वो अंतः परिधि है, अंतः परिधि ये कितनी दी हुई है बच्चों, ये दी है 88 मीटर। अंतः वाले में सूत्र लगाएंगे तो 2πr2 लगा देंगे, तो ये 88 हो गया, पाई मतलब 22/7 और r2 बराबर हो गया 88, तो r2 निकल जाएगा बच्चों, तो 88 गुणा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और बटे में 2 × 22 हो जाएगा, तो वही 11 × 2 = 22 और 11 × 8, 2 से काट दीजिए 2 × 4 = 8 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो r2 का मान कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 14 मीटर आ गया। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, क्या चीजें ध्यान रखना है वो देख लीजिए, ये जो हमने परिधि निकाली है व्रत है हमारा, और ये दूसरा व्रत है आपका संकेंद्री व्रत लिया गया। इसमें संकेंद्री व्रत में क्या हो जाएगा, जो बाहर वाले की त्रिज्या थी ये r1 थी और ये अंदर वाले की जो थी वो r2 थी, तो ये जो बची दूरी यानी ये क्या चीज है, ये है मार्ग की चौड़ाई, तो मार्ग की चौड़ाई ये वाली हुई d, तो चलते हैं निकालते हैं मार्ग की चौड़ाई। मार्ग की चौड़ाई किसको निकालना है, d को निकालना है, और d कैसे निकलेगा, r1 में से r2 माइनस कर दीजिए, तो r1 कितना है, 17.5 है, r2 जो निकल के आया 14, तो कितना आ जाएगा, ये 3.5 मीटर आ जाएगी, इतने मार्ग की चौड़ाई है और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये 6 है, उदाहरण नंबर 1, 7 मीटर चौड़ी सड़क एक वृत्ताकार बगीचे को घेरती है, बगीचे की परिधि 352 मीटर है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों ध्यान रखिए कि ये जो हमने क्या करा है, ये आपका बगीचा बना दिया हमने, ये बगीचा है और बगीचे की परिधि दी हुई है 352 और इसकी त्रिज्या हमने क्या ले ली, आर ओ ले लिया। जो सड़क बनाई गई है वो इसके चारों ओर बनाई गई है, ये सड़क दिखाई दे रही है आपको बनती हुई, ये वाली जो त्रिज्या हमें आर टू लेनी है, आर टू। लेकिन सड़क की जो चौड़ाई है ये 7 मीटर है बच्चों, ये वाली दूरी जो है 7 मीटर है। तो चलिए देखते हैं, पहले हमें परिधि निकालनी है, बगीचे की परिधि दी है, बगीचे की परिधि कितनी दी है 352 मीटर। तो त्रिज्या उसकी आर वन ले रखी, तो बगीचे की परिधि हो जाएगी 2πr1 बराबर जाएगा 352, तो 2π का मान 22/7 हो जाएगा, R1 हो जाएगा और ये 300 कितना है 52, तो R1 निकल जाएगा बच्चों कितना 352 × 7 और बटे में 2 × 22। तो देखते हैं जरा कैसे कटता है, तो 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33 हो जाएगा, 2 बचेगा 11 × 2 = 22, 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए तो 8 हो जाएगा और 8 × 56 हो जाएगा, तो R1 बराबर कितना हो गया 56 मीटर आ गया। R2 निकाल लेंगे, R2 कैसे निकालेंगे, 56 में जो है जुड़ जाएगा कितना, ये जो D था यानी 7 मीटर, कितना हो जाएगा ये 7 × 6 = 13 और ये 6 हो जाएगा 63 मीटर आ जाएगा, ये R2 हो गया। अब क्या निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल, मतलब बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये जो दिखाई दे रहा बाहर की ओर ये वाला इसका, तो यहां लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पाई, R2 बड़ी है तो R2 पहले लेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई तो 22/7 है और R2 देखिए कितना है 63 है, तो 63 का स्क्वायर हो गया माइनस ये कितना है 56 है, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 हो गया, एक बार तो ये 63 + 56 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 63 − 56, तो 22/7 हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 6 × 3 = 9 हो गया और 6 × 5 = 11 हो गया और गुणा कितना बचा यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 से ही 7 कट जाएगा। अब जो है 22 × कितना हो गया 119, इतने वर्ग मीटर आ जाएगा, जरा गुणा करके देखते हैं कितना आएगा, ये गुणा करके आ जाएगा 2618, इतने वर्ग मीटर आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा गया है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है ये बच्चों, ये देखो ये वृत्त है आपका, ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है ये ओ और ओ पर जो है 120 अंश का ये कोण बन रहा है, यानी ये जो कोण बनाया गया है ये 120 अंश का है। तो चलिए ये थीटा दिया हुआ है, तो थीटा का मान दे दिया है 120 अंश और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी आर जो दी है वो 21 सेंटीमीटर है, तो R भी लिख लीजिए, तो R हो गया 21 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, चाप की लंबाई, तो देखो तो ये वाले चाप की लंबाई यानी B, B चाप की लंबाई ये वाली हो जाएगी, ये यहां तक की, तो चाप की लंबाई ले लीजिए, चाप की लंबाई इसका सूत्र होता है θ/360 × 2πr। चलिए थीटा है 120 और ये है 360 और गुणा 2 है पाई, मतलब 22/7 और आर मतलब कितना है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो 7 × 3 = 21 हो गया, 3 यहाँ से आ गया, 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 12 × 3 = 36 ये हो गया, 3 से ये भी 3 कट जाएगा, तो कितना बच गया ये 2 × 2 = 44 यानी 22 बचा है, तो 22 × 44 हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये आंसर हो गया आपका। अब है क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं हम,
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये होता है थीटा अपॉन 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा कितना है, 120 है और ये 360 है और गुणा में पाई मतलब 22/7 है। आर कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर दे दीजिए। तो ये देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 1/3 गुणा 22/7 और गुणा 21 और एक और गुणा 21 हो जाएगा। देखते हैं इसमें तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 22 × 21 से बची रहेगी। अब इसकी की गुणा करनी पड़ेगी, तो 21 × 42 का 2 हो गया हासिल 4, फिर 21 × 42 और 4 हो जाएगा 46, इतने वर्ग सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है ये उदाहरण नंबर 8 आपका, दी गई आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये दिया हुआ है, तो इसमें जो है 7 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है और ये कोण जो है 30 अंश का बना हुआ है। तो छायांकित भाग ये वाला जो इधर दिखाई दे रहा है इसको ही निकालना है। तो सबसे पहले R1 ले रहा हूं मैं, R1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है। R2 ले लेते हैं, R2 कितना दिखाई दे रहा है, 3.5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है और थीटा जो है कितना है, 30 अंश है। हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो कैसे निकलता है, पहले तो थीटा बटे 360 हो जाएगा गुणा पाई हो जाएगा और R1² - R2² इस सूत्र अपने आप बनाना पड़ेगा बच्चों। थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया हुआ, ये 360 हो गया और पाई का मान 22/7 है। R1 कितना है बच्चों, 7² है माइनस 3.5² हो जाएगा। तो 0 से देखो 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे, 3 × 3 और 3 × 2 = 6, 2 से भी काट दिए, 2 × 6 = 12 और यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 1/6 × 11/7 हो गया और ये इसको जोड़ दीजिए, एक तो 7 + 3.5 लिख लेंगे, 7 + 3.5 और दूसरा हो जाएगा 7 − 3.5। अब क्या हो जाएगा, ये 1/6 × 11/7 इसको जोड़ दीजिए तो 7 × 3 = 10, 10.5 हो गया और इसको घटा देंगे तो 3.5 आ जाएगा। अब ये 0.5 हटाना चाहो हटा सकते हो और काटना है इसको, तो जो भी कटेगा तो यहाँ 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35 यानी 0.5 आ जाएगा और ये 6 और बचा रह गया। चलिए गुणा भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा, ये डिवाइड करके आ जाएगा 9.625 और ये क्या कहलाएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब ये गुणा भाग करनी थी आपको, तो गुणा भाग कर लेंगे बच्चों इतना और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। ये वो एक्सरसाइज है जिसका इंतजार कर रहे थे हम लोग, 14.1। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या जो दी है आर दी है कितनी, 17.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बच्चों, में परिधि निकालनी है। तो परिधि का जो सूत्र होता है ये होता है 2πr, तो 2π का मान 22/7 और ये जो है 17.5 है। चलो देखते हैं, 0.5 हटा रहा है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 7 से कट जाएगा क्या, देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं। देखो 7 × 2 = 14, 3 बच गया और 7 × 5 = 35 कट चुका है बच्चों। 2 से काट दीजिए, 2 × 2 = 2, 5 × 10 आ गया, 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25 कितना आ गया, 22 × 5 आ गया है। इसकी गुणा कर दीजिए, 5 × 10 और 5 × 10 और 1 = 11 हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा।
प्रश्न नंबर दो, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। मतलब आर जो दे रखा है वो 4.2 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है हमें वृत्त का क्षेत्रफल? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7 और आर होता है 4.2 दिया हुआ है इसका स्क्वायर। तो 22/7 कर लिया और ये 4.2 × 4.2 आ जाएगा। काट देंगे कितना आ जाएगा? 7×6 42 जाएगा, यानी 0.6 जाएगा। तो गुणा करने के लिए 22×4.2×0.6 हो जाएगा। तो देखते हैं इस केस की गुणा कर देते हैं। तो 6×12 और 6×12 और 1×13 और दशमलव जो आ जाएगा एक अंक के बाद और गुणा 4.2 आ गया। अब इसकी गुणा देख लेते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 55.44। इतने क्या आएगा लेकिन बच्चों? वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है और सेंटीमीटर में दिया सब कुछ, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 3 है, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर रस्सी से बांधा हुआ है। मतलब ये इसकी त्रिज्या हो गई, तो आर हो गया 14 मीटर। बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चढ़ सकता है? तो अपने वृत्त के बराबर चढ़ेगा बच्चों। तो मैदान का क्षेत्रफल ले लेते हैं, मैदान में जो घास चल रही है उसका क्षेत्रफल, मैदान का मैं क्षेत्रफल ले रहा हूं जिसकी घास चल चुका है। ये हो जाएगा सूत्र पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो बच्चों 22/7 है, आर जो है 14 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया 22/7 और ये 14×14 हो जाएगा, 7×14 आ गया। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22 × 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। 14×4=56 बच गया 5 और 14×4=56 और 5 कितना हो गया? 61। इतने वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर। मतलब आर ले लिया हमने 35 सेंटीमीटर। 500 पूरे चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? यानी चक्करों की संख्या कितना है, यानी चक्कर ही लिख दीजिए। चक्कर कितने हैं? 500। हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है परिधि गुणा चक्रों की संख्या। तो परिधि होती है 2πr और चक्रों की संख्या कितनी है? 500 दी हुई है बच्चों। रख लेते हैं 2×π मतलब 22/7 है और r दे रखा है 35 और गुणा 500 हो गया है। तो ये आ जाएगा 7 × 7 = 7, 7×5=35। तो 22×2 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा और गुणा में 5 है और गुणा 500 ये सेंटीमीटर है। अब तो इसको मीटर में बदल देते हैं तो 44×5×500 है और बटे में 100 कर देंगे तो मीटर आ जाएगा। चलिए दोनों जीरो इसकी कट चुकी है, अब गुणा करनी रह गई है। तो कितना आ जाएगा? 5×20 और 5×20 × 2=22 हो गया और गुणा कितना है? 5 और है। फिर से काट लेते हैं, गुणा कर देते हैं 0, 5×10 और 5×10 और 1=11। इतने मीटर आ जाएगा। किलोमीटर में बदलेंगे तो बच्चों 1.1 किलोमीटर आ जाएगा। 1000 से भाग कर देते हैं तो ये आंसर है। तो यहाँ यूनिट याद रखना है बच्चों, क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर और 1000 मीटर = 1 किलोमीटर। तो इससे जो है हमने करा, यानी 1000 से हम भाग कर दिया है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है?
तो हम ले रहे हैं दूसरे व्रत का क्षेत्रफल, दूसरे व्रत का क्षेत्रफल बराबर कितना है 9 गुणा पहले व्रत का क्षेत्रफल। चलिए एक व्रत है, त्रिज्या दी है इसने, तो इसकी त्रिज्या जो है यानी कि पहले व्रत की आर वन ले लेते हैं, ये 3 मीटर दी हुई है, और दूसरे व्रत की त्रिज्या निकालनी है यानी आर टू हमें निकालनी है। तो दूसरे व्रत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पाई आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, 9 गुणा पहले व्रत का पाई आर वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई और पाई तो कट जाएंगे, आर टू निकालना है हमें, तो आर टू का स्क्वायर हो जाएगा कितना, यहाँ ये हो जाएगा 3R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा 3R1, दोनों का स्क्वायर कट जाएगा बच्चों। R1 का मान दर देते हैं, तो R2 बराबर हो जाएगा 3R1 का मान कितना है 3 मीटर है, तो ये मीटर में आ जाएगा, 3 कितना हो गया 9 मीटर हो गया, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। एक वृत्ताकार मार्ग है, आंतरिक परिधिद्रेखी है 440 मीटर, यानी कि ये जो है आपको एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी त्रिज्या अंदर वाली हमने आर वन ले रखा है, और ये बाहर वाली हो गया यानी के, तो बाहर वाले का क्या कर दिया हमने, ये आर टू ले लिया, ये वाला आर टू, और ये जो है ये इसकी चौड़ाई है जो कि डी के बराबर है, और ये कितनी दी है 14 मीटर दी हुई है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो पहले आंतरिक परिधि का सूत्र लगाएंगे हम, आंतरिक परिधि इसका जो सूत्र है बच्चों, आंतरिक परिधि दी हुई है कितने 440 मीटर दी हुई है, और आंतरिक परिधि का सूत्र भी होता है आंतरिक परिधि, इसका हो जाएगा सूत्र 2πr1, तो रख दीजिए तो 2πr1 बराबर हो गया 440, तो 2 गुणा पाई होता है 22/7, और ये R1 बराबर हो गया 440, तो R1 बराबर हो गया 440 × 7 हो गया, और बटे में 2 × 22 हो गया, तो 22 × 44 30 हो गया, और 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो R1 का मान कितना हो गया 70 मीटर आ गया। R2 का मान और निकालना है, तो 70 में वो 14 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 84 मीटर आ जाएगा। R2 निकल गया है, हमें क्या निकालना है, बहिर्गत व्यास निकालना है, तो ये बहिर्गत व्यास निकाल दीजिए, बहिर्गत व्यास बराबर कितना हो जाएगा 2 × R2 हो जाएगा, तो 2 × R2 कितना आया था 84 आया था, तो 2 × 8 और 2 × 8 = 16 हो जाएगा, यानी कि 168 मीटर आ जाएगा, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग, ये है 7वां प्रश्न, ये कह रहा है एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है, इसके अंदर की और चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी पहले हम बना लेते हैं ऐसे, ये हमने वृत्त बनाया, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है, यानी इसकी जो त्रिज्या दी हुई है ये R1 ले ले रहा हूं मैं, R1 50 मीटर दी हुई है, ये ले लिया 50 मीटर, इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके अंदर की तरफ है तो ये है आपका अंदर की तरफ, ये चौड़ाई कितनी है बच्चों, ये 5 मीटर है, हमें क्या निकालना है, ये R2 निकालना है, तो R2 भी निकल जाएगा, चौड़ाई इन्होंने 5 मीटर दे दी है, 50 है R कितना है बच्चों, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो R2 जो निकलेगा वो 50 − 5 करना पड़ेगा, यानी कि 45 मीटर आ गया, R2 निकल चुका है। और एक दर दी हुई है, दर कितनी दी है, दर है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, टाइल्स लगाने का खर्चा बताना है, इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 फुट चौड़ा रास्ता है,
तो बच्चों पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा और फिर 10 से गुणा कर देंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ कुल खर्च का सूत्र लगा रहा हूं मैं, कुल खर्च बताना है तो ये क्या हो जाएगा, दर हो जाएगी और रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे रास्ते का क्षेत्रफल और गुणा दर। रास्ते का क्षेत्रफल जो है पाई निकलेगा और आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर और दर दे रखी है 30। चलिए पाई का मान 22/7 हो गया, आर वन जरा देखिए कितना है, ये है 50 का स्क्वायर और माइनस का ये 45 का स्क्वायर हो गया और गुणा कितनी है 30 है तो जरा आगे कर लीजिए तो 22/7। अब ये हो जाएगा 50 + 45 और इधर 50 - 45 और गुणा कितना है 30 है और सिंपलीफाई कर लेते हैं 22/7 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये तो 5 ही आएगा और गुणा कितना है 30 है, इससे गुणा भाग करनी है कितना आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 44785.71 रुपए, इतना रुपए आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुल खर्च इतना आ चुका है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है प्रश्न नंबर 8। ये क्या कह रहा है, उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 70° का कोण बनाता है और जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो R का मान तो दे दिया 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे दिया है 70°। तो क्या बताना है, चाप की लंबाई और क्षेत्रफल। तो चाप की ये लंबाई, ये वास्तव में ये बच्चों ऐसा चित्र बना हुआ है, आपका चित्र जरा देख लेना सही से, ये चित्र हो गया आपका और ये केंद्र हो गया O और यहाँ पर ये बताना है ये आपका थीटा दिया है 70°। तो ये लंबाई ए भी बतानी है और इसका क्षेत्रफल भी बताना है, ये वाली लंबाई बतानी है आपको, ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, चाप की लंबाई ले लेते हैं, चाप की लंबाई ये सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 × 2πr। थीटा कितना है 70 है और 360 यहाँ हो जाएगा 2 × पाई का मान 22/7 और आर जो है वो 21 दिया हुआ है तो 21 हमने रख लिया, यहाँ काट लेते हैं तो 7 × 21 हो गया, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटो 3 × 3 = 3, 2 = 6 हो जाएगा, 2 से काट लो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, फिर काटो 2 से 11 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो कितना आया बच्चों, 7 × 11 हो गया और बटे में 3 आ गया तो 11 × 77 / 3 इतने क्या आया, ये सेंटीमीटर आया। इसको भाग भाग देख लेते हैं जरा, ये आ जाएगा 25.66 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों एक आंसर आ चुका है चाप की लंबाई, अब हमें जो निकालना है वो क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये सूत्र होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 × πr² थीटा आपका कितना दिया है 70 दिया हुआ है, यहाँ 360 रख देते हैं, गुणा पाई कितना है बच्चों ये है 22/7 और r कितना है, r हमारे पास 21 है तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 7 से काट लेते हैं, यहाँ 0 से 0 काट रही है, 7 से ये 7 कट चुका है और ये 2 से भी काट दीजिए, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ पर 2 × 2 = 16 तो ये बचा 11/18 और गुणा कितना बचा 11 बच गया और यहाँ 21 × 21 हो जाएगा। तो 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21 पे 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21 तो कितना हो जाएगा, 11 11 की गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा, 7 के 7 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा और बटे में 2 है, इतने वर्ग सेंटीमीटर। जरा इसकी गुणा भाग कर लेते हैं कितना आता है बच्चों, यहाँ से कट करके 1 यहाँ पे आया था, इसका मतलब यहाँ 1/18 ही होना था, 11 नहीं आना था, तो 11 यहाँ हो गया, गुणा 7 से 49 हो गया और बटे 2 हो गया, इसकी गुणा भाग कर लीजिए जो आएगा वो आंसर होगा, ये आ जाएगा 269.5 वर्ग सेंटीमीटर।
तो ये आंसर हो गया बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, काटने पीटने में भी गलतियां बहुत होती हैं। ये मैंने 11 यहाँ पे दो बार ले लिया था, इसलिए ये गड़बड़ था। इसको 11 एक ही बार है, यहाँ पे एक बार आना था, ये 7 बन जाए 7 यानी के, और इस वजह से यहाँ पे डबल 11 से गलत आंसर होता है, इसलिए हम लोग 11 एक ही रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। अगला प्रश्न है, वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो त्रिज्य खंड का कोण बताइए। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या कहा है, 1/6 का है और वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है 3/360 और गुणा में πr² और ये 1/6 है और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो ये πr² पूरा कट जाएगा। तो थीटा बराबर ये 360 इधर आ जाएगा, 1/6 × 360, 6 से काट दिए, 6×6 = 36 और 0, तो थीटा का मान कितना आ गया 60 आंसर आ जाएगा और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का ये अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, केंद्र पर 50 अंश का कोण अंतरित करता है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। तो देखिए क्या है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है 1540 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आर आपको ज्ञात करना है, थीटा भी दिया हुआ है 50 अंश। तो चलिए सूत्र लगाते हैं हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों कितना होता है, थीटा बटे 360 होता है और गुणा πr² होता है, रख दीजिए तो थीटा बटे 360 गुणा πr² बराबर कितना हो जाएगा 1540। थीटा आपको दिया हुआ है 50 और ये हो गया 360, पाई का मान 22/7 और r² अपनी जगह, तो 1540। चलो देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटते हैं तो 2×2 2×8 = 16 और यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो r² का मान हो जाएगा 1540 गुणा में 18 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में जो आएगा एक तो ये 5 आ जाएगा और गुणा ये वाला 11 बच जाएगा। चलिए काट के देखते हैं, ये 11 से कटता है, 11×11 फिर 11×44 और 0 आ जाएगा, 5 से भी कटता होगा देख लेते हैं, 5 से काट करके 5×2 = 10 और 5×8 = 40 हो गया, तो ये हो गया r² का मान आ गया 28×18। तो r बराबर जाएगा √28×18, तो जरा देखते हैं निकाल करके कितना आएगा, r का मान 28 का क्या कर दें हम, 4×28 कर दें, ये आ जाएगा 28 का करेंगे तो 4×7 = 28 कर दीजिए और 18 का करेंगे तो 2×18 कर दीजिए, 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, 9 का आपका 3 बाहर आ जाएगा, अंदर जो बचेगा वो 7 बच जाएगा और गुणा 2 हो जाएगा, तो 3×2 = 6 हो गया और √7×14 इतने क्या हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा और यही पे आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है बच्चों, नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदेश प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल पर।